वक्रतुंड महाकाय सूर्य को लेटर। हेलो गाइस, आज हम यहाँ पहाड़ में आए हैं और यहाँ पे गांव है मेरा। यहाँ पे तो सबका गांव होता है। यहाँ पे एक दिन हमारे घर में शेर भी आया था और वो हमारी डॉगी को खा लिया उसने। और हम ये घर इतना टूटा फूटा, बताऊँ कैसे, क्योंकि इसमें कोई रहता नहीं है, इसलिए प्राणों के इसलिए टूट गए। अंदर से दिखाता हूँ आपको, अंदर से तो बहुत बुरी हालत हो रखी है। यहीं से देख लो, इधर वो देखो, दिख रहे ना इधर से। और ये चलो, अभी आज भागवत हो रहा है मंदिर में। आपको आवाज तो आ रही होगी भागवत की। दो माइक लगा है यहाँ पे मेरे में, उसमें अभी माइक लगा, वहाँ भी माइक लगा है। गाइस, मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या व्यू आ रहा है, देखो यार, देखो क्या व्यू आ रहा है। वो देखो, सामने मंदिर है, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे वो देखो घर है बहुत सारे, और वो देखो वहाँ पे टावर भी है जो नेटवर्क देता है, और वो वहाँ पे दूर दूर घर है, और देखो सबसे बड़ा पहाड़ वो है, पर सबसे बड़ा पहाड़ माउंट चिलिया को कहते हैं, पर वो भी है सबसे बड़ा पहाड़, ऐसा समझो। यदि अगर यहाँ से कोई कूदेगा ना तो तुम्हारे ऊपर मार लग जाएगी, वो बची नहीं पाएगा, उसकी हड्डी भी नहीं हो जाएगी, वो भी चूरा चूर हो जाएगी। देखो कितना लंबा है यहाँ से। तुम एक काम करो, तुम द्वारिका, हम यहाँ पे पूरी घड़ाई चढ़ के आए हैं आपके लिए, वीडियो बनाने के लिए पूरी घड़ाई चढ़ के आए हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और हम तेरे पास में आओ, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वो देखो वहाँ पे चील, नहीं कबूतर, कबूतर काला कबूतर। आप लोग कबूतर नहीं देख रहे होंगे, जो ब्राउन जिसके पास ब्राउन ब्राउन होता है ना, वो कबूतर उल्लू वाले कबूतर होते हैं। और चलो इधर, अब मैं दिखाता हूँ गोट, वहाँ पे भी बहुत कुछ है, पर वहाँ पे हमने कुछ फल भी क्या रखे थे, वो रखे थे अमृत रखे थे, वो भी पूरे सड़ गए। इधर और निकाले कि आप नकली भगवान और असली भगवान पैदा हो चुका है। इस पत्र में आपको एक ही चुनौती दे रही है, क्या कहा है? देखो यहाँ पे हम हमारी सारी दोनों गायों को खा दिया शेर ने सारी, तभी तो ये छोड़ रहे हमने, कुछ काम नहीं करते। बस यहाँ पे कुछ देखते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुई। तब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर से थोड़ा रजा रहे दिख रहे हो है। इस पत्र में लिखा है कि देखो मन अवतार हो चुका है, तुम छोड़ के यहाँ से भागो। चलो अब हम मंदिर में चलते हैं, और तो वहाँ पे भी बहुत मजे आएंगे। वो देखो जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना, उससे हम पूरी घड़ाई चढ़ के आए। इससे चढ़ना तो बहुत बहुत मुश्किल होता है, पर नीचे जाने में बहुत मजा आता है। और जिस दिन हम जाएंगे उस दिन दिखाऊंगा आपको मैं। एक खासी परेशानी छोड़ेगी, अब हम मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ पर मैं दिखाऊंगा, भागवत भी दिखाऊंगा और बहुत मजे करूंगा, दोस्तों के साथ खेलूंगा। आज अब मैं इसे असली रूप दे दूं। चलो गाइस, चलो गाइस, अब हम
अब जब काशीराज के वध का समाचार उसके पुत्र को मिला, देखो तो उसने दक्षिणाग्नि से एक कृत्य को प्रकट किया और उस कृत्य को द्वारिका को भस्म करने के लिए भेजा। अगर हम बैठ जाएंगे ना नीचे जाने वाले पिछवाड़े से, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस कृत्य को भस्म किया। आगे चल रहे और ये देखो यहाँ पे ये लगा हुआ था, पर ये हटा, फिर से लगा दो का, यहाँ पे लगा हुआ था, फिर से लगा देता हूँ। चलो चलो लगाओ। इस प्रकार सुदर्शन चक्र ने काशीपुर को पूरा भस्म कर दिया। चलो लाज जो लगा के हईसा से कर दिया। भागवत का सबसे अच्छा श्लोक आता है, एक खांसी तो पीछे नहीं छोड़ेगी। राजा लोग भी आज वो देखो यहाँ पे हमारा बैट बॉल दिख रहा है, यहाँ पे देखो वो येलो और रेड और वो ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो है हमारा बैट बॉल। और चलो आजा जंगल में जा रहे हो, वहाँ पे हम गाय चलाते हैं, पर आज नहीं गया मैं। बाय बाय। अरे भैया ये देखो ये है शॉर्टकट रास्ता, शॉर्टकट रास्ते से भी जा सकते हैं। देखिए ये देखो गर्भिक तो भाग्य भाग्य ऊपर तक क्लेश ना पाए। चलो अब मैं भी भागती हूँ। मैं भी भाग गया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आप परीक्षित जी ने श्री बाबा मंदिर पहुँच गए, देखो सुनाते हैं पहुँच गए, ताऊ उधर बैठे हुए हैं, गर्भिक भी यहाँ बैठ गया। चल गर्भिक भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय। चलो धाम बताया है, इतने विशेष ब्राह्मणों ब्राह्मणों में जो उत्तम है ये तो यहाँ पे मिर्ची है, ये गोल गोल मिर्ची नहीं है कुछ कैप्सिकम है, कैप्सिकम नहीं है, कोई कैप्सिकम है। चलो इंद्रिय अपने इंद्रिय पर नियंत्रण किए हुए हमेशा कर गए। अब इस प्रकार सुदामा जी बड़े दीनहीन थे, लेकिन इनकी